कहाँ के विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा आज नामांकन करने पहुंचे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता भी उनके साथ में पहुंचे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। हमारे पास में साथ में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी, उनसे बात करते हैं। आज सुरेश कुमार बैठा जी नामांकन करने वाले हैं, आगे क्या रणनीति, कितना आप लोग जोश उल्लास के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, अपने आप में दिखाई दे रहा है महागठबंधन का प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा जी है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है जो अपने आप में देखने में दिख रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुरेश कुमार बैठा इस बार कांके का विधायक होगा, महागठबंधन का विधायक होगा। निश्चित तौर पर यहां पे कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उल्लास देखा जा रहा है, प्रत्याशी भी यहां पे सामने सुरेश कुमार बैठा, उसके साथ में जेएमएम के भी कुछ लोग, जेएमएम हमारे केंद्रीय नेता समनूर मंसूरी भी है साथ में है। समनूर जी, आज गठबंधन के प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, आप लोग जेएमएम से कितना सहयोग रहेगा? हम लोग का भरपूर सहयोग रहेगा, चूँकि हम लोग शुरू से ही महागठबंधन के पक्ष में थे, और आज ये बहुत बड़ी सफलता है कि हम लोगों का जो एकजुटता है वो कायम रहा, और हम लोग एकजुट होकर हमारे प्रत्याशी चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या आरजेडी के हो, सबके लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कांके के जो विजय रथ है बीजेपी का चला रुकी, उसे कैसे रोकेंगे? अभी समरी लाल का नाम आया है सामने। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, चूँकि हम लोग महागठबंधन धर्म को निभाने जा रहे हैं और हमारा प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित होगा, इसलिए कि हमारे साथ में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता, जेएमएम के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आरजेडी के तमाम पदाधिकारीगण हमारे साथ में एक कदम से कदम मिला। निश्चित तौर पर यहाँ पे गठबंधन के बात करें तो सभी प्रत्याशी साथ में हैं। हमारे साथ प्रत्याशी सुरेश बैठा है। सुरेश जी, आगे आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी? अब अभी नामांकन करने जा रहे हैं, नामांकन के बाद हमारी रणनीति चुनावी जीतने की है। किस तरह से आप लोगों को और आगे की चुनावी के लिए प्रक्रिया दिशा निर्देश देने वाले हैं? हमारे सारे गठबंधन के साथी, आरजेडी हो चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस के सभी सीनियर मोस्ट लीडर, सारे लोग कमर कस चुके हैं कि सर 30 साल का जो मोनोपोली बीजेपी के विधायकों को रहा, उसको आज इस बार खत्म करेगा। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कांके विधानसभा सीट के सुरेश कुमार बैठा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद हो और कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता आज के बाद चुनाव पे लग जाएंगे जोरों शोर से, और कांके सीट को इस बार किसी भी हाल में गठबंधन की झोली पे डाल के ही रहेंगे। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, रांची।